व्हाट्सअप गाइज, आई एम साहिल, सर्टिफाइड प्रोफेशनल फोटोग्राफर, एंड आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग वन ऑफ द बेस्ट गोरिल्ला पॉड फॉर व्लॉगिंग एंड फिल्म मेकिंग की। तो जिन लोगों को गोरिल्ला पॉड नहीं पता क्या होता है, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गोरिल्ला पॉड एक ट्राईपॉड होता है जिसकी लेग्स बहुत फ्लेक्सीबल होती है और ये साइज में काफी छोटा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ट्राईपॉड। तो गोरिल्ला पॉड का मेन पर्पस होता है एक तो व्लॉगिंग, आप इस पे कैमरा अटैच करके व्लॉगिंग कर सकते हैं और इसके अलावा इसे ऐसी बहुत सारी जगहों पर माउंट कर सकते हैं जहां आपका नॉर्मल ट्राइपॉड शूट नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हम कौन सा गोरिल्ला पॉड ले, तो इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा एक्सपेंसिव गोरिल्ला पॉड और नॉर्मल गोरिल्ला पॉड में क्या फर्क होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अनबॉक्सिंग की, जिसमें पैकेजिंग की बात करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव पैकिंग हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। एक साइड पर दी गई है कुछ डिटेल्स गोरिल्ला पॉड के बारे में, जिसमें लिखा है मशीन एल्यूमिनियम सॉकेट्स लगाए गए हैं इस गोरिल्ला पॉड में, जिससे इसके जॉइंट स्ट्रॉन्ग रहते हैं, फ्लेक्सिबल एंड रैपिंग लेग्स है इजी एडजस्टमेंट्स के लिए, एंड उसी के नीचे बताया गया है रिमूवेबल बॉल हेड है गोरिल्ला पॉड का। और दूसरी साइड पर पिक्चर्स में दिखाया गया है इस गोरिल्ला पॉड को यूज करते हुए, जिसमें ब्लॉगिंग करते हुए, कैमरा को ट्री पर माउंट करते हुए एंड नॉर्मल ट्राइपॉड की तरह यूज करते हुए बताया गया है। बाकी दोनों साइड्स पर दी गई है पिक्चर्स गोरिल्ला पॉड की। चलिए अब करते हैं इस बॉक्स को ओपन। तो बॉक्स ओपन करने के बाद हमें मिल जाता है यूजर मैनुअल पिक्टोरियल फॉर्म में, एंड उसके बाद आता है गोरिल्ला पॉड। बिल्ट इन क्वालिटी काफी सॉलिड है, नीचे की तरफ बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की रबड़ लगाई गई है जिससे गोरिल्ला पॉड काफी स्टेबल रहता है। गाइज, ये गोरिल्ला पॉड मैक्सिमम 5 किलो तक का वेट आसानी से संभाल सकता है। इट मींस आप इजीली अपना हैवी डीएसएलआर या फिर मिररलेस कैमरा इस पर माउंट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ हमें मिल जाता है बॉल हेड, जिसपे आप अपना कैमरा अटैच करके किसी भी मूवमेंट में इजीली मूव कर सकते हैं। बेस प्लेट भी काफी फैंसी दी गई है जो इजी टू डिटैचेबल है। जॉइंट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो बहुत ही रिजिड है, आप इसे जिस भी पोजीशन में सेट करेंगे बहुत ही स्टेबल रहेगा। सबसे मेन थिंग इस गोरिल्ला पॉड को बाकी गोरिल्ला पॉड से अलग करती है वो है मटेरियल क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी, तभी मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल व्लॉगर्स जो भी गोरिल्ला पॉड ही प्रेफर करते हैं। गाइज, अब मैं आपको मेजर डिफरेंस बताता हूँ चीप गोरिल्ला पॉड एंड जो भी गोरिल्ला पॉड में। तो जैसे कि मैंने सबसे पहला डिफरेंस आपको बताया वो है क्वालिटी, इस गोरिल्ला पॉड में चीपर क्वालिटी का मटेरियल एंड रबर लगा हुआ है। दूसरा डिफरेंस है गाइस, ये गोरिल्ला पॉड लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल नहीं होते, कुछ टाइम बाद इसके जॉइंट्स जो है वो काफी लूज हो जाते हैं जिससे हमारे कैमरे का गिरने का डर रहता है। सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस है गाइस, इन गोरिल्ला पॉड में हमें बॉल हेड बिल्कुल नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो बहुत ही पुअर क्वालिटी का मिलता है जिससे हमारी वीडियो फुटेज में काफी जर्क आते हैं, काफी झटके आते हैं, इतनी स्मूथली वो वर्क नहीं करता जितनी स्मूथली जो भी का गोरिल्ला पॉड का बॉल हेड करता है। गाइज, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप गोरिल्ला पॉड ले व्लॉगिंग या किसी भी तरह की वीडियो शूट के लिए, तो जो भी का या फिर उससे सिमिलर क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि अगर आप चीप क्वालिटी गोरिल्ला पॉड यूज करेंगे तो उससे आपके एक्सपेंसिव कैमरे का गिरने का रिस्क रहेगा। बिकॉज हम गोरिल्ला पॉड को व्लॉगिंग में तो यूज करते ही है, बट इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी शूटिंग लोकेशंस होती हैं जहां पर गोरिल्ला पॉड का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।